यूपी के जिला एटा में शुक्रवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई। जसरतपुर थाना इलाके के नंगला ब्लू में गुरुवार देर रात प्रेम संबंधों का विरोध करने पर प्रेमी आपा खो बैठा और उसने अपनी प्रेमिका और उसके पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी, जबकि मां को मरणासन कर दिया। उन्हें आगरा रेफर किया गया है। गाँव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दरअसल गांव निवासी पुनीत कुमार उर्फ नन्हे का गांव की ही 17 वर्षीय किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी का परिवार प्रेम संबंधों का विरोध करता था। गुरुवार रात 11:30 बजे पुनीत बेलचा लेकर प्रेमिका के घर में घुस गया और गाली गलौज करने लगा। शोर शराबा सुनकर घर में मौजूद लोग जाग गए, लेकिन जब तक वे कुछ कर पाते तब तक पुनीत ने बेलचा से हमला कर किशोरी के पिता और मां पर हमला कर दिया। उन्हें बचाने के लिए किशोरी ने जब कोशिश की तो आरोपित ने उसका भी सर फोड़ दिया। चीख पुकार सुनकर पुत्रवधू बाहर निकल आई तो आरोपी भाग गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल अवस्था में सभी को मेडिकल भेजा। रास्ते में ही किशोरी और उसके पिता की मौत हो गई। किशोरी की मां को मेडिकल कॉलेज से आगरा रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। किशोरी के परिवार के लोगों ने बताया कि उसका भाई घर में मौजूद नहीं था, मगर भाभी थी। हमलावर उन्हें भी ढूंढता रहा, मगर वह छुप गई थी। इस वजह से उनकी जान बच गई। हत्या की रिपोर्ट मृतका की भाभी ने ही आरोपित पुनीत के खिलाफ पंजीकृत कराई है। सूचना मिलने पर आईजी दीपक कुमार भी गांव नंगला ब्लू पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एसएसपी ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस बेलचा के प्रहार से उसने 2 लोगों की हत्या की, वो भी बरामद कर लिया है। आरोपित से पूछताछ की जा रही है।